फ्रेंड्स, Xiaomi की तरफ से बहुत जल्द एक अपडेट रोल आउट किया जाएगा जो कि है MIUI 12 की। इस MIUI 12 के अंदर लॉट्स ऑफ हिडन फीचर्स तो दिया जा ही रहा है, बट उसमें से हम लोग आज कुछ सबसे कूल एंड पावरफुल फीचर्स देखेंगे जो कि आपको MIUI 12 के साथ मिलने वाला है। एंड मैं आपको दिखाऊंगा Xiaomi की तरफ से अपडेट किया गया ऑफिशियल डिवाइस लिस्ट, किस डिवाइस को MIUI 12 अपडेट मिलेगा या फिर किस डिवाइस को नहीं मिलेगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट MIUI 12 का जो अपडेट है वो इंडिया में किस टाइम रोल आउट होने वाला है या फिर स्टेबल अपडेट आपको किस दिन से मिलना स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अभी से इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए और टेक्नो माइंड उज्ज्वल चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट में जो है वो है सिस्टम UI। Xiaomi ने कहा है आइकॉन पैक से लेकर सिस्टम एनिमेशन तक सब कुछ हम लोग न्यू डिजाइन कर रहे हैं जो कि पहले के मुताबिक मोर देन बेटर, मोर देन स्मूथ एंड मोर देन क्रिएटिव होने वाला है, ताकि हर एक यूजर्स के लिए MIUI 12 सबसे ज़्यादा यूजर फ्रेंडली हो। और उसके साथ साथ आपको मिलेगा न्यू स्टाइल ऑफ वॉलपेपर, न्यू स्टाइल ऑफ थीम और एक लाइव वॉलपेपर आपको मिलेगा जो कि है डे ट्रैकर नाम से। वो वाला जो लाइव वॉलपेपर रहेगा वो अपने आप को मौसम के हिसाब से ढाल सकता है, जैसे कि सनराइज से लेके सनसेट तक जिस भी टाइप का मौसम आपके इलाके में रहेगा उस टाइप का सेम टू सेम मौसम आपको वॉलपेपर के अंदर भी देखने को मिलेगा। जैसे कि सुबह के टाइम वॉलपेपर के अंदर भी आपको मॉर्निंग टाइम देखने को मिलेगा या फिर रात के टाइम वॉलपेपर के अंदर भी आपको नाइट सीन ही देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अमेजिंग बात है। एंड Xiaomi का कहना यह भी है कि इस वॉलपेपर को इम्प्लीमेंट करने का यही हम लोगों का मकसद है, ताकि आपका बैटरी ऑप्टिमाइजेशन और भी बेहतरीन तरीके से हो पाए इस वॉलपेपर का यूज़ करने से। अब नेक्स्ट जो फीचर्स है वो है एम्बियंट डिस्प्ले, मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। MIUI 12 अपडेट आने पर हर एक IPS डिस्प्ले फोन्स में एम्बियंट डिस्प्ले या फिर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर सबको मिल जाएगा, और इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो भाई Redmi Note सीरीज है जिसमें एम्बियंट डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे एक चीज़ आप जान लेंगे तो भाई आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, जो एम्बियंट डिस्प्ले फीचर्स है वो एमुलेट डिस्प्ले के अंदर अच्छे से फिट होता है। तो Xiaomi ने यहाँ पे क्लियर कट कर दिया है कि एम्बियंट डिस्प्ले फीचर्स एमुलेट डिस्प्ले फ़ोन में जितना भी बैटरी कंज्यूम करता है उससे ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करने वाला है IPS डिस्प्ले वाले फ़ोन्स में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए Xiaomi ने कहा है कि हम लोग एक और फीचर्स इसके अंदर ऐड करेंगे, ताकि IPS डिस्प्ले फ़ोन्स में एम्बियंट डिस्प्ले फीचर्स को यूज़ करते हुए कम से कम बैटरी कंज्यूम हो। अब नंबर 3 जो फीचर्स इसमें रहेगा जो कि मोस्ट पावरफुल फीचर्स भी है वो है वाइट एंड ग्लोबल डार्क मोड। वाइट डार्क मोड मतलब देखिए, अभी MIUI 11 के अंदर अगर आप डार्क मोड को इनेबल करेंगे तो बहुत से ऐसे सिस्टम ऐप्स है अभी भी जिसके अंदर डार्क मोड इनेबल नहीं होता है, जैसे कि आप देखेंगे MI थीम स्टोर या फिर MI शेयर, ये दो एप्लीकेशन जो है इसके अंदर डार्क मोड काम नहीं करता है सिस्टम एप्लीकेशन होने के बाद भी। तो वाइट डार्क मोड जो रहेगा उससे अगर आप इनेबल कर देंगे MIUI 12 के अंदर तो आपका जितने भी सिस्टम एप्लीकेशन से, मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिस्टम एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, तो वो सभी एप्लीकेशन डार्क मोड में आ जाएगा, जो कि MIUI 11 के अंदर पॉसिबल नहीं है। और ग्लोबल डार्क मोड के बारे में तो आप जानते ही होंगे, ग्लोबल डार्क मोड को इनेबल कर देने से सिस्टम एप्लीकेशन या फिर आपके फ़ोन में जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल किया हुआ है वो सभी के सभी या फिर आपका फ़ोन भी फुल्ली डार्क मोड में चला जाएगा, जो कि सबसे कम बैटरी कंज्यूम करने के साथ साथ हम लोगों के आईज को भी प्रोटेक्टेड रखता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो फीचर्स है वो फीचर्स अभी भी MIUI 11 के अंदर भी Xiaomi ने हिडन फॉर्म में रखा है, और वो वाला फीचर जब MIUI 12 के अंदर आएगा तो मोर देन 30x पावर के साथ आएगा, ताकि भाई इस फीचर्स के यूज करके जितने भी बैटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सभी के सभी खत्म हो जाए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, वो फीचर्स है अल्ट्रा बैटरी सेविंग मोड। अल्ट्रा बैटरी सेविंग मोड MIUI 11 के अंदर भी दिया गया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, इस वीडियो के एंड में आपको वो वाला वीडियो देखने को मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। और इस फीचर्स को लेकर Xiaomi का कहना है हम लोगों को बहुत सारा फीडबैक मिलता है बैटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर, बट हम लोग काम कर रहे हैं और MIUI 12 के अंदर हम लोग इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, बट उससे पहले भी आपको एक अपडेट मिलेगा जिसमें Xiaomi ने कहा है कि ये जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम रहता है Xiaomi फोन्स में वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा, बट अगर
आप इस बैटरी प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व करना चाहते हो तो आपको MIUI 12 अपडेट आने तक वेट करना पड़ेगा। अब नंबर 5 जो फीचर से शुरुआती टाइम में बहुत कम लोगों को ही मिलने वाला है, जो कि है एंड्रॉयड 11 अपडेट। Xiaomi ने एक कंफर्म कर दिया कि MIUI 12 अपडेट आने के एक दो मंथ के अंदर ही हम लोग कुछ ही डिवाइस के लिए एंड्रॉयड 11 को प्लान कर रहे, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे लोगों को एंड्रॉयड 10 अपडेट ही नहीं मिला है। और Xiaomi ने तो ये भी अनाउंस कर दिया कि MIUI 12 अपडेट आने के तुरंत बाद ही कुछ डिवाइस को एंड्रॉयड 11 अपडेट दे दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो उस टाइम कौन कौन से डिवाइस को एंड्रॉयड 11 अपडेट मिलने वाला है, तो मैं आपको बता देता हूँ। Redmi K20 Pro जो डिवाइस है एंड Redmi का जो Note 8 Pro डिवाइस है, उसी को फर्स्ट में एंड्रॉयड 11 अपडेट मिलने का चांसेस जो है बहुत ज़्यादा है। ये बेसिकली मेरा ओपिनियन है, Xiaomi ने इस बारे में कुछ भी अभी तक नहीं कहा है कि इन सभी डिवाइसेस को MIUI 12 अपडेट आने के बाद एंड्रॉयड 11 अपडेट मिलेगा। Xiaomi ने तो बस इतना कह दिया है, हम लोग MIUI 12 अपडेट रोल आउट करने के बाद ही कुछ ही डिवाइस को एंड्रॉयड 11 अपडेट देने वाले। वो कौन कौन से डिवाइस है अभी भी कन्फर्म नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ MIUI 12 का जो अपडेट है वो कब से मिलना स्टार्ट होगा। जो बेटा यूज़र रहेंगे उन लोगों के लिए सितंबर 2020 से ही MIUI 12 का जो अपडेट है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जो स्टेबल अपडेट है उसके लिए आपको दिसंबर महीने तक वेट करना पड़ेगा, तभी आपको MIUI 12 का अपडेट जो है आपके डिवाइस में देखने को मिल सकता है। और वो कौन कौन से ऑफिशियल डिवाइस लिस्ट है जिसके अंदर MIUI 12 का अपडेट मिलेगा, वो अगर आप जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेकआउट कीजिए। वहाँ पे मैंने ऑफिशियल डिवाइस लिस्ट का लिंक जो है डाल दिया है, उस लिंक पे विजिट करके आप जान सकते हो किस किस डिवाइस को MIUI 12 का स्टेबल अपडेट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक टेक्नो माइंड उज्ज्वल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।